अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन और धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्य, अर्थात जहां कभी युद्ध न हो। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग भी आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहा करते थे। यह नगर सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, इसका अर्थ है अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांचीपुरम उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरिया नगर मोक्षदायी माने गए हैं। अयोध्या का इतिहास। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुर्योध्या। ये पूरी सरयू के तट पर 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर लंबाई और 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मान्यता के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर हुए सभी तीर्थंकर और भगवान रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश से थे। इसका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रियों की राजधानी यही नगर रहा है। अयोध्या में ही जन्मे भगवान श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी था। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। अयोध्या और फैजाबाद। कभी कभी बहुत से लोगों को इन दोनों शहरों में भ्रम होने लगता है। आमतौर पर लोग इन दोनों को एक ही शहर समझने लगते हैं। अयोध्या भारत के प्राचीनतम शहरों में शुमार है और करोड़ों भारतीयों के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। फैजाबाद भी एक शहर है जो अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फैजाबाद को अवध के सूबेदार नियुक्त किए गए एक ईरानी सादात अली ने 1722 ईस्वी में बसाकर अवध की पहली राजधानी बनाया था, जिसे बाद में नवाब असफुद्दौला द्वारा 1775 ईस्वी में लखनऊ ले जाया गया और इसके बाद फैजाबाद का पतन हो गया। इस 50 वर्ष की अवधि तक के नवाबों ने उस राजधानी में बहुत सी खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया। लखनऊ की तरह फैजाबाद भी हमें नवाबकालीन दौर की याद दिलाता है। अवध के नवाबों के बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार और लखनऊ शहर के अलीगंज में स्थित एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। फैजाबाद शहर के बसने के बाद भी अयोध्या अपने धार्मिक स्वरूप और धार्मिक पराकाष्ठा के कारण आम हिंदू जनमानस के बीच आस्था के केंद्र के रूप में विख्यात रहा। इसे हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि सादात अली ने भगवान श्री राम के बाद अयोध्या को ही अवध की राजधानी बनाया, पर एक ईरानी होने के नाते वर्तमान अयोध्या नगर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाकर अपनी फारसी जबान में उसे फैजाबाद के नाम से स्थापित कर दिया, जिसका अर्थ कुछ विद्वान ऐसे शहर के रूप में निकालते हैं जहां पर सब बराबर हैं और जहां कोई भेदभाव ना हो। ये एक तरह से महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित रामराज्य की अवधारणा से मेल खाता है। आगे चलकर जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन आया तो उन्होंने फैजाबाद शहर को एक जिले का दर्जा दिया और रामनगरी अयोध्या को भी इस जिले के अंतर्गत कर दिया। आगे चलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या शहर को जिला घोषित कर दिया और फैजाबाद शहर को उसका प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया। मई 2017 तक फैजाबाद शहर की अलग नगरपालिका थी और अयोध्या शहर की अलग नगरपालिका, जिसका बाद में सूबे की भाजपा सरकार ने विलय कर अयोध्या नगर निगम नाम से एक नए नगर निकाय को गठित कर दिया। फैजाबाद एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। लखनऊ के बाद ये दूसरा शहर है जिसकी इमारतें नवाबकालीन दौर को फिर से जीवंत कर देती हैं। इस शहर को बहुत से साहित्यकारों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि और कर्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है।
रामायण का पहली बार उर्दू में अनुवाद करने वाले महान उर्दू कवि और पेशे से वकील पंडित ब्रज नारायण चकबस्त का जन्मस्थल और कर्मस्थल भी फैजाबाद ही था। मुख्य आकर्षण। प्राचीन नगर अयोध्या के अवशेष खंडर के रूप में रह गए थे, जिसमें कहीं कहीं कुछ अच्छे मंदिर भी बचे हुए थे, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यहां पर एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। यह नया मंदिर बनने तक रामलला मूर्ति को जन्म स्थान से स्थानांतरित कर एक अस्थायी मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य है। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने थे, जिनमें कनक भवन, नागेश्वर नाथ तथा दर्शन सिंह मंदिर दर्शनीय हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ जैन मंदिर भी हैं। भगवान श्री राम की लीला के अतिरिक्त अयोध्या में श्री हरि के अन्य सात प्राकट्य हुए हैं, जिन्हें सप्त हरि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग समय देवताओं और मुनियों की तपस्या से प्राकट्य हुए। इनके नाम भगवान गुप्त हरि, विष्णु हरि, चक्र हरि, पुण्य हरि, दर्शन हरि, धर्म हरि और बिल्व हरि है। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमानगढ़ी। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसीलिए अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते हैं और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये मंदिर एक टीले पर स्थित है, जिस कारण यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहते हैं। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की भी प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली खां अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार बहुत ही कम थे। रात्रि की काली में गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी और सुल्तान ने थक हार कर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। इसके बाद सुल्तान के पुत्र की धड़कनें दोबारा शुरू हो गईं। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली खां ने बजरंग बली के चरणों में माथा टेक कर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया। बाद में नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ताम्र पत्र पर लिखकर यह भी घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और ना ही यहां के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। इसके अलावा उसने 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए भी उपलब्ध कराई। इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या ना जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल स्वरूप में था, वो था हनुमान टीला, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए हैं, जो आज भी खास मौके पर ही बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। राघव जी का मंदिर। ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम का स्थान है, जिसको हम राघव जी का मंदिर कहते हैं। मंदिर में स्थित भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान के साथ माता सीता की मूर्ति विराजमान नहीं है। नागेश्वर नाथ मंदिर। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। मान्यता है कि जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे, तब उनका बाजू बंद खो गया। बाजू बंद एक नाग कन्या को मिला, जिसे कुश से प्रेम हो गया। वो कन्या शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है
जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में बनने वाले विशाल और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।